Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 6 and today we'll continue chapter 3 of history, that is phases of earliest society 2. We'll do the revision of this chapter and today we'll continue with our topic, the Sentinelees. So who were Sentinelees? Sentinelees kaun the? So the Sentinelees are a native tribe living on the North Sentinel Island of the Andaman. Sentinelees क्या थी? एक tribe थी, एक कबीला है, जो कहाँ रहता है? North Sentinel Island of Andaman. Andaman के North Sentinel Island पे द्वीप पे रहता है. And archaeologists believe that they date back to the stone age and make tools of stone and metals. According to archaeologists, they are dated back, means ये stone age से पहले के हैं and make stone age के time में उससे पहले के हैं and they make tools of stone and metals. और इसके साथ साथ ये औजार बनाते थे, tools बनाते थे stone के and metals के. And to this, they are the world's last Stone Age tribe also. इसके साथ साथ ये दुनिया की आखिरी Stone Age tribe भी मानी जाती है या है. Now, the Sentinelees resist contact with outsiders and attack visitors with bows, javelins and arrows. They resist means to stop something with what is happening. Resist means to stop something. तो ये क्या करते थे? ये कांटेक्ट आउटसाइडर्स के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो विजिटर्स जो भी लोग वहाँ पे विजिट करते थे, उस आइलैंड पे जाते थे, सेंट्रल आइलैंड पे, उनके ऊपर अटैक करते थे. किससे? भाले से, तीर से और बर्छे से, इन सब चीज़ों से अटैक करते थे ताकि कोई भी आउटसाइडर उनके आइलैंड पे ना आ सके. That's why we have very less information about Sentinelees. The information we have, the few informations which we have is with the contact of government officials and the scientists. जो कि वहाँ पे आइलैंड पे विजिट किया उन्होंने कभी किसी वजह से, तो उनके थ्रू ही हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल पाती है. According to census 2011, the total population is about 40. तो ये 2011 का जो भी जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग इनकी जो पूरी जनसंख्या है वो 40 थी. They were a hunter and gatherer society who were dependent on fishing, collecting plants and on hunting. जो किस चीज पे निर्भर थी? Hunting पे, शिकार पे. चीजों को, फूड को सिर्फ इकट्ठा करना उनका काम था एंड फिशिंग. नाउ द सेंटिनेलीज हैज डार्क स्किन एंड आर शॉर्टर देन एवरेज ह्यूमंस. तो ये डार्क स्किन कलर के होते हैं और इनकी हाइट एवरेज ह्यूमन से कम होती है, शॉर्ट होती है. एंड दे यूज्ड टू लिव इन हट्स, मिट्टी के बने हुए झोपड़े में रहते हैं एंड स्लीप ऑन लीव्स, पत्तियों को बिछा के उस पर सोते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज द नियोलिथिक साइट नॉर्थ मेहरगढ़. नियोलिथिक साइट विच इज प्रेजेंट इन नॉर्थ, विल टॉक अबाउट मेहरगढ़. मेहरगढ़ इज अ नियोलिथिक साइट लोकेटेड इन द प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान विच इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. तो ये मेहरगढ़ एक साइट, नियोलिथिक साइट है जो कि बलूचिस्तान के प्लेन्स में, पठारों में स्थित है, जिसको आज हम प्रेजेंट ही कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में लोकेटेड है. नाउ इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट विथ द एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया. ये सबसे पुरानी साइट है जहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं किस चीज के, फार्मिंग के एंड हर्डिंग. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1974 एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव फाउंड चेयर्ड ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स हेयर.
चेयर्ड ग्रेन्स मीन्स भुने हुए अनाज भी उनको यहाँ पे मिले हैं एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स इन मेहरगढ़. सो द फर्स्ट वन इज मेहरगढ़ पीरियड वन एंड द नेक्स्ट वन इज मेहरगढ़ पीरियड टू. सो द टाइम पीरियड ऑफ मेहरगढ़ पीरियड वन इज 7000 BCE to 5500 BCE. And Mehrgarh was a Neolithic and a ceramic site. A ceramic means without the use of pottery. Means in this period there was no use of pottery. And the earliest farming in the area was developed with semi-nomadic people. और यहाँ पे जो farming, जो खेती विकसित हुई थी वो किनके द्वारा हुई थी? Semi-nomadic people. Means they were not totally settled down at the one place. Means they were semi-nomadic. वो एक जगह से दूसरे के हमेशा नहीं move करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो एक ही जगह पे fix settled हो गए थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? Semi-nomadic. They kept animals such as sheep, goat and cattle and the houses were simply mud structured in a square or rectangular shape. Now the next one is Mehrgarh period 2 and the time period of Mehrgarh period 2 started from 5500 BCE to 4800 BCE. तो मेहरगढ़ पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, मेहरगढ़ पीरियड वन, मेहरगढ़ पीरियड टू एंड मेहरगढ़ पीरियड थ्री. सो वी यार बहुत खोज बहुत. सो द टाइम पीरियड ऑफ मेहरगढ़ पीरियड टू स्टार्टेड फ्रॉम 5500 BCE टू 4800 BCE एंड मेहरगढ़ पीरियड थ्री, टाइम पीरियड ऑफ मेहरगढ़ पीरियड थ्री स्टार्टेड फ्रॉम 4800 BCE to 3500 BCE and the period of 2 and 3 was Neolithic and also ceramic. Means this in both the periods there was use of pottery. It was Neolithic, ceramic and later Chalcolithic also, and many evidences of manufacturing also have been found in Mehrgarh period 2 and 3. Now our next one topic is Barzun. This topic will discuss in our next class. Don't forget to give your attendance in the comment section, complete your question answers, read the chapter properly for revision. Thank you, class.